afternoon students, today we are going to study chapter number 13, Mumbai, the commercial capital of India. Mumbai को commercial capital of India क्यों कहा गया? क्योंकि ये सबसे richest city है इंडिया की, यहाँ पे बहुत सारी major और important industries हैं जहाँ से wealth मिलता है. मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है, राजधानी है. इट वॉज नोन एज बॉम्बे अंटिल 1995, और ईयर 1995 तक मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था. मुंबई लाइज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड फेसेस द अरेबियन सी. मुंबई जो है इंडिया के वेस्ट कोस्ट में लाया करती है और इसका फेस किधर है? अरेबियन सी की तरफ. इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन इंडिया एंड द सिक्स्थ मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड. और ये सबसे पॉपुलर और फेमस सिटी है इंडिया की और पूरे विश्व की ये सिक्स्थ मोस्ट पॉपुलर सिटी कही जाती है. मुंबई इज़ ऑल्सो द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया. और मुंबई जो है वो हमारे इंडिया की कमर्शियल कैपिटल भी है. क्यों? क्योंकि यहाँ से वेल्थ ज़्यादा मिलता है. यहाँ पे ये सबसे रिचेस्ट सिटी है. द इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड द रेसिडेंसेज ऑफ द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स आर इन मुंबई. अब जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, मतलब जितने भी ज़रूरी ऑफिसेज हैं महाराष्ट्र सरकार के, जैसे कि गवर्नर का घर, मुख्यमंत्री का घर और भी जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, उनका जो घर है वो कहाँ है? मुंबई में है. 7 आइलैंड्स कंस्टिट्यूट द सिटी ऑफ मुंबई. अब 7 आइलैंड जो हैं वो मिलकर मुंबई सिटी को बनाते हैं. आइलैंड किसे कहते हैं? अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, वो ज़मीनी हिस्सा जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है. इट वॉज डेवलप्ड इंटू अ सिटी आफ्टर द इन्वेजन ऑफ द पोर्टुग्यूज. और ये सिटी में कब डेवलप हुई? जब पोर्टुग्यूज का आक्रमण हुआ. ठीक है, मुंबई जो है वो सिटी में तब डेवलप हुई जब पोर्टुग्यूज का हमला हुआ. मुंबई गॉट इट्स नेम फ्रॉम द लोकल गॉडेस मुंबा देवी. और मुंबई को मुंबई नाम कहाँ से मिला? वहाँ की जो लोकल पास की देवी हैं, जो कि बहुत फेमस है, मुंबा देवी टेम्पल, वहाँ से मुंबा देवी से मुंबई नाम एसोसिएटेड है. टॉपिक इज द क्लाइमेट ऑफ मुंबई. अब हम इसमें मुंबई के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे. मुंबई हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट. मुंबई का जो क्लाइमेट है, जो वहाँ का मौसम है, वो कैसा होता है? मॉडरेट होता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, एवरेज क्लाइमेट होता है. इट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड इन समर. और गर्मियों में क्या होती? गर्मी होती है एंड मॉडरेटली कोल्ड इन विंटर. और ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है. ठंडियों में ठंडी पड़ती है लेकिन एवरेज ठंडी होती है. द सिटी नॉर्मली रिसीव्स रेन फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. और मुंबई सिटी में जो बारिश है वो कब होती है? जून से सेप्टेम्बर मंथ के बीच में. द स्पिरिट ऑफ मुंबई कार्स, मतलब मुंबई के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, कैसे रहन सहन है, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. द पीपल ऑफ मुंबई आर कॉल्ड मुंबई कार्स. अब मुंबई के जो लोग हैं उन्हें मुंबई कार्स कहते हैं. द सिटी हैज़ अ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर. और इस सिटी का, मुंबई सिटी का जो कल्चर, संस्कृति है वो क्या है? कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब एक समान है, लोग एक तरह रहते हैं इक्वली. पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, बिलीव्स एंड कल्चर्स को एग्जिस्ट इन मुंबई. और यहाँ पे लोग जो हैं वो अलग अलग रीजन के हैं, बिलीफ के हैं और संस्कृति के हैं, और अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे मुंबई में रहते हैं. मराठी, हिंदी एंड कोंकणी आर द मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन हेयर. और इनकी, यहाँ के जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है जो वो बोलते हैं, वो है मराठी, हिंदी और कोंकणी. ये तीन लैंग्वेजेस जो हैं ये मेजर लैंग्वेजेस हैं यहाँ के लोगों की. भेलपुरी, पानीपुरी, पाव भाजी एंड वड़ा पाव आर द फेवरेट फूड आइटम्स इन मुंबई. और अगर आप लोग में से कोई मुंबई गया है तो सबको पता होगा ना कि वहाँ पे फेवरेट क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस क्या है? भेलपुरी, पानीपुरी, पाव भाजी और वड़ा पाव, ये सब वहाँ के लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं ना. बहुत सारे फूड स्टॉल्स वहाँ पर लगते हैं. सो दो ऑल मेजर फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, क्रिसमस एंड ईद आर सेलिब्रेटेड हेयर. और इसी तरह सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, बड़े बड़े त्यौहार हैं, जैसे कि दिवाली है, होली है, क्रिसमस है, ईद है, ये सारे त्यौहार जो हैं वो यहाँ पे मनाए जाते हैं. गणेश चतुर्थी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन दिस सिटी. और गणेश चतुर्थी जो है वो यहाँ का, इस सिटी का सबसे पॉपुलर
त्यौहार है जो कि यहाँ के लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं. सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमॉरो. थैंक यू स्टूडेंट्स.